हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूटेडिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारा है संविधान से एक चैप्टर है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे हम लोग कैग के रूप में भी जानते हैं और कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल के रूप में जानते हैं। तो इसी संबंध में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव अलग अलग एग्ज़ाम में बनते हैं, तो इस चैप्टर से जुड़े हुए पीटी और मेंस दोनों में प्रश्न आते हैं। तो कैसे इस चैप्टर को एक बेहतर ढंग से समझा जाए ताकि इससे अगर कहीं भी प्रश्न आता है तो उसे हम आसानी से बना सकें तथा किसी प्रकार की समस्या में हम ना फंसे, तो उसे पूरा समझेंगे। इस चैप्टर को क्या होता है, कहाँ है संविधान में इसका वर्णन और क्या क्या किए गए हैं प्रावधान जिनसे पूछे जाते हैं प्रश्न। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के इस एक विशेष वीडियो को जिसका नाम है कैग। इसके अलावा कुछ 4-5 वीडियोस और आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, क्योंकि मोस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे जहां आप जाकर के देख सकते हैं। ऐसे मैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऐसे आप प्लेलिस्ट में उसको बारीकी से आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग। अब बात करते हैं कि आखिर ये पद क्यों बनाया गया। वास्तव में भारतीय संविधान में सरकार बनाई गई, सरकार को कार्य करने के लिए दिया गया और संसद के माध्यम से गवर्नमेंट कई प्रकार के कार्य करती है, राज्यों में विधानमंडल के माध्यम से राज्य सरकारें काम करती हैं। ऐसे में धन का व्यय होता है, धन जो है उसका व्यय होता है और प्राप्ति होती है। अब ये धन व्यय और प्राप्ति का लेखा जोखा रखने के लिए अर्थात इनका ऑडिटिंग करने के लिए ही एक संवैधानिक पद बनाया गया जिसका नाम है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद, जिसे हम कैग के रूप में जानते हैं। अब इस पद को बनाया गया और इसका कार्य क्या था, तो चूंकि यह पैसा जो आय और व्यय के रूप में खर्च होता है यह सार्वजनिक धन है। सार्वजनिक धन से तात्पर्य है कि यह जनता का धन है और जनता का धन सही रूप में व्यय और आय के रूप में प्राप्त हो रहा है या नहीं, यह तय करना लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी खूबी होती है कि लोकतंत्र यह स्पष्ट करता है कि जनता के पैसों का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, जनता का पैसा सुरक्षित है और उनका सही इस्तेमाल हो रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखने के लिए ही और लोकतंत्र को एक मजबूत आधार देने के लिए और सरकार में जनता का विश्वास बना रहे, इसको ध्यान में रखते हुए एक पद सृजित किया गया जिसे हम लोग कैग के रूप में जानते हैं, जिसका वर्णन संविधान में अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 के बीच में किया गया है। तो हम इन्हीं प्रावधानों को पढ़ेंगे। इनको पढ़ने से पहले दो आर्टिकल हैं जिन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे आप एज ए होल यूनिट याद रख सकते हैं कि संविधान में कैग का वर्णन कहाँ है, तो 148 से लेकर के 151 तक। लेकिन इसमें आपको दो अनुच्छेद मुख्य रूप से याद रखने हैं, 148 जिसमें कैग के पद का वर्णन है और 149 जिसमें कार्य एवं शक्ति का वर्णन है। तो जो कार्य एवं शक्तियाँ कैग को प्राप्त है उसका वर्णन 149 में मिलता है। तो ये महालेखा परीक्षक के पद के संबंधित और कार्य एवं शक्तियों से जुड़े हुए अनुच्छेद हैं जिन्हें आप याद रखेंगे। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए। कैग क्या है, तो कैग वास्तव में जो लेखा परीक्षण होता है पूरे भारत में, जो डाटा का ऑडिटिंग होता है, चाहे वह केंद्र स्तर पर हो चाहे वह राज्य स्तर पर हो, इन दोनों स्तरों पर जो लेखा परीक्षण होता है उसका मुखिया अर्थात उसका हेड कौन होता है, तो वह होता है कैग। और इसकी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि इसे संविधान में इस पद को क्यों बनाया गया, तो वास्तव में यह सार्वजनिक धन या इसे कहते हैं लोक वित्त, यानी लोगों का पैसा का संरक्षक है। कैग जो है वह सार्वजनिक धन एवं लोक वित्त के संरक्षक के रूप में कार्य करता है और इसके संबंध में भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भारतीय संविधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण यदि अधिकारी पद कोई है तो वह कैग का है। तो ये स्टेटमेंट कई बार पूछा जाता है, तो BR अंबेडकर के अनुसार
सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पद किसका है? तो कैग का है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं कैग के संबंध में जो आपको याद होनी चाहिए, अर्थात लेखा परीक्षण की दृष्टि से केंद्र और राज्य स्तर पर जो लेखा परीक्षण होता है उसका मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन होता है, उसका मुखिया कौन होता है, तो वो कैग है। इसके अलावा उनका मुख्य कार्य सार्वजनिक धन का संरक्षण करना है, लोकवित्त का संरक्षण करना है तथा आय व्यय का ऑडिटिंग करना है। और इन्हीं विशेषताओं के कारण B.R. अंबेडकर ने लिखा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत बनाए गए जितने अधिकारी पद हैं उनमें अगर सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पद कोई है तो वह है कैग का। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब आते हैं जहां से प्रश्न सीधे तौर पे पूछे जाते हैं उनकी ओर। उन प्रश्नों में सबसे पहले हम लोग देखते हैं नियुक्ति। कैग की नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता है, और नियुक्ति जो है इनकी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और आपको पता होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा जो ये नियुक्ति होती है तो राष्ट्रपति स्वेच्छा से सब कुछ नहीं करते हैं, वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही ज़्यादातर कार्य करते हैं। ऐसे में ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही नियुक्ति करेंगे, किसकी? कैग की। दूसरा शपथ, ये शपथ किसके समक्ष लेंगे? तो राष्ट्रपति के समक्ष ही ये शपथ लेते हैं। तो यहाँ से एक सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि कैग की नियुक्ति कौन करते हैं, कैग को शपथ कौन दिलाते हैं। और तीसरा, चूंकि इसी से सिमिलर है, त्याग पत्र। यदि कैग को अपने पद से, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को अपने पद से स्वेच्छा से हटने की इच्छा हो, जिसे हम त्याग पत्र के नाम से जानते हैं, तो वह भी राष्ट्रपति के को ही संबोधित करते हैं। तो यहाँ से तीन प्रश्न बेसिक बिल्कुल याद रहना चाहिए कि कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, कैग का शपथ राष्ट्रपति के द्वारा, और कैग को यदि त्याग पत्र देने की आवश्यकता है तो वो अपना त्याग पत्र किसे सौंपेंगे? तो राष्ट्रपति को सौंपेंगे। अब एक प्रश्न जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और लोग फंसते हैं वह है कार्यकाल। इनका टेनियर क्या होता है, इनका कार्यकाल क्या होता है, इसके संबंध में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और हम कन्फ्यूज़न के शिकार बनते हैं। तो उससे बचने के लिए ये याद रखिएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो पहले हो, कैग के संबंध में, उनके कार्यकाल के संबंध में ये पॉइंट याद रखना है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो पहले हो। अब ये क्या है? तो कैग के संबंध में कहा जाता है कि यदि, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं, यदि कैग के किसी व्यक्ति की नियुक्ति 50 वर्ष की आयु में होती है तो वो पहले अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे और इस तरह से 56 की एज में जा कर के वे रिटायर्ड हो जाएंगे। लेकिन यदि उसकी नियुक्ति 60 वर्ष की उम्र में होती है तो वो 6 अगर पूरा करने चलेंगे तो 66 हो जाएगा, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैक्सिमम एज उसे 65 वर्ष निर्धारित किया गया है, अर्थात वह यहाँ 66 तक कार्य नहीं कर सकता है, वह 65 वर्ष की आयु में ही रिटायर्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि यदि वो उसका कार्यकाल पहले 6 पूरा हो रहा है तो वो 6 कर सकता है, और उस 6 के पूरा होने से पहले यदि उसकी आयु 65 वर्ष हो जा रही है तो यह नहीं देखा जाएगा कि उसने 6 पूरा किया या नहीं, उसे उनके पद से सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, दैट मीन्स रिटायर्ड हो जाएंगे। तो उनके कार्यकाल के संबंध में, तो यहाँ बहुत ही सिंपल वे में ये 4 पॉइंट है जो बेसिक ऑब्जेक्टिव के रूप में आते हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, शपथ राष्ट्रपति के द्वारा, त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे, और कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो पहले हो उसके द्वारा तय होगा। अब उनसे जुड़े हुए कुछ अन्य प्रश्नों की ओर आते हैं दोस्तों, तो वो है हटाने की प्रक्रिया। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और सीधे आप देख सकते हैं, हटाने की प्रक्रिया। अब
एक प्रश्न आता है कि यदि कैग पर जिसकी नियुक्ति हुई है, जिस व्यक्ति की नियुक्ति की गई है, वो अपने कार्यों में असमर्थ हो और या फिर उसके कार्य जो है असंवैधानिक हो जाएं, तो क्या उन्हें पद से हटाया जा सकता है, और हटाया जाएगा तो उसके लिए किस प्रोसेस का यूज किया जाएगा। तो वास्तव में हटाने की प्रक्रिया भी हमारे संविधान में तय की गई है, और यदि वह असमर्थ होता है अपने कार्य में तो उसे पद से हटाया जा सकता है, और हटाने की प्रक्रिया वही होगी जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए अपनाया जाता है। तो यहां साफ साफ स्पष्ट है कि जो प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए यूज की जाती है, वही प्रक्रिया यूज की जाएगी कैग के व्यक्ति को हटाने के लिए, अर्थात नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उनके पद से हटाने के लिए। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ऐसे मैंने सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं और समझ चुके होंगे, पढ़े भी हैं आपने तो अच्छे से समझ में आया होगा। तो वास्तव में क्या है ये प्रक्रिया, तो सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि क्या होता है कि दो सदन है हमारे संसद में, और संसद के दोनों सदनों में अलग अलग प्रस्ताव को पारित किया जाता है। एक कमिटी गठित होती है, यदि कमिटी यह प्रूफ कर देती है कि उक्त न्यायाधीश ने किसी प्रकार का कदाचार किया है, तो उन्हें पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव दोनों संसद के अलग अलग सदन में पास किया जाता है, और फाइनली राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा उन्हें पद से हटा दिया जाता है। सेम प्रक्रिया का यूज होगा यहाँ पर कैग को हटाने के लिए। तो हटाने संबंधी प्रक्रिया को अगर ध्यान से देखें तो ऐसे ऑप्शन में आ सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रक्रिया के समान ही है, या ऑप्शन में आ सकता है कि दोनों संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग प्रस्ताव को पारित करने के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप अपने उत्तर का चयन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ जो कैग से जुड़े हुए बेसिक पॉइंट्स थे वो याद हो गए होंगे। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं, 148 में कैग के पद का वर्णन है, 149 में कार्य एवं शक्तियों का वर्णन है, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, त्यागपत्र भी वो राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं, कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो पहले हो के लिए होता है, और हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया के समान होता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जिसे हमने देखा। अब यहाँ से प्रश्न आने के अलावा कहाँ से प्रश्न आएंगे, उम्मीद करते हैं ये आपने नोट कर लिया होगा या आपने याद कर लिया होगा। अब आते हैं, बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय, सॉरी माफ कीजिएगा, कैग से जुड़े हुए कुछ अन्य प्रश्न जो पूछे जाते हैं उन्हें कहाँ से देखें और क्या पूछे जाते हैं। तो इन सब प्रश्नों के अलावा कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो होते हैं कार्य एवं शक्तियों से जुड़े हुए। अब आपके कैग के कार्य एवं शक्तियों को ध्यान से देखेंगे और देखेंगे कि इनसे जुड़े हुए कई कार्य एवं शक्तियां हैं जो स्पेशली प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले कार्य एवं शक्ति के रूप में देखें तो वह जो है मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में केंद्र एवं राज्य के लेखा का परीक्षण करते हैं। यहां मैंने ये लाइन इसलिए यूज किया कि यहां पर आपका प्रश्न जब बनता है तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि क्या कैग केवल केंद्र सरकार के लिए काम करता है या केंद्र सरकार के ही लेखा का परीक्षण करता है। जी नहीं, वह केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर लेखा परीक्षण करने वाला एक व्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि राज्य के लिए अलग से कैग बनाया गया है और केंद्र के लिए अलग से, बिल्कुल नहीं, एक ही कैग है जो केंद्र स्तर पर लेखा का परीक्षण और राज्य स्तर पर लेखा का परीक्षण का कार्य करते हैं। अगर कार्य में देखें तो वे संचित निधि, आपको पता होगा आर्टिकल 266 संचित निधि, आकस्मिक निधि आर्टिकल 267,
से जो धन व्यय होता है, जो धन व्यय होता है उस व्यय का परीक्षण करने का काम भी कैग का है। तो कई बार प्रश्न यहाँ फंसाते हैं कि क्या वो केवल संचित निधि के धन को व्यय को जांच कर सकते हैं या केवल आकस्मिक निधि की। तो जी नहीं, दोनों के माध्यम से होने वाले धन व्यय पे उनकी नज़र होती है, चाहे वह धन व्यय केंद्र सरकार के संचित निधि या आकस्मिक निधि से हो, चाहे वह राज्य सरकार के संचित निधि या आकस्मिक निधि से हो, दोनों का परीक्षण करने का कार्य कैग को सौंपा गया है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट में। इसके अलावा जितने भी लेखा परीक्षण होते हैं, जितने प्रकार के ऑडिटिंग के कार्य होते हैं, वो सभी वे करते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि यदि केंद्र स्तर पर जो जांच होता है, लेखा का परीक्षण होता है, तो वह केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति को सौंपते हैं। यहाँ से प्रश्न आता है कि कैग अपने रिपोर्ट केंद्रीय स्तर पर किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति क्या करते हैं? तो इसे संसद के पटल पर रखवाते हैं, अर्थात राज्यसभा और लोकसभा में पेश करवाते हैं, जहाँ पर यह देखा जाता है कि सरकार द्वारा वित्त किस प्रकार से खर्च किए गए हैं। अब आ जाइए, बात करते हैं राज्य स्तर पर क्या होता है। तो राज्य स्तर पर वे राज्यपाल को राज्य के लेखा संबंधी रिपोर्ट सौंपते हैं, और राज्यपाल क्या करते हैं? तो इसे विधानमंडल, जिस प्रकार से केंद्र में संसद होता है उसी प्रकार से राज्य में क्या होता है, विधानमंडल, तो उसमें पेश करवाते हैं और वहाँ पर इस पर बहस या चर्चा होती है। तो दो पॉइंट आपको याद रखना है कि केंद्रीय स्तर पर कैग द्वारा कहाँ रिपोर्ट पेश की जाती है, तो राष्ट्रपति को, जो कि संसद में पुनः राष्ट्रपति पेश करवाते हैं। राज्य स्तर पर वे किसे पेश करते हैं? तो राज्यपाल को, जहाँ वह विधानमंडल में इसे रखवाते हैं। इसके अलावा कार्यों में देखें तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग पढ़े होंगे लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का कार्य भी कहीं ना कहीं कैग से ही मिलता जुलता होता है। वे सार्वजनिक जो धन व्यय होते हैं उनसे जुड़े हुए मुद्दों पर निगरानी और नियंत्रण का कार्य करते हैं। यही कारण है कि लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, मित्र, कहीं आपको लिखा मिलेगा आंख या कान के रूप में कैग कार्य करते हैं। तो लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, मित्र, अभिभावक, आंख कान के रूप में कौन कार्य करता है? तो कैग करता है, क्योंकि कैग का जो कार्य होता है वही सिमिलर टू लोक लेखा समिति का कार्य होता है। तो एज ए गाइड वह जो है लोक लेखा समिति को एक प्रकार से मार्गदर्शन देता है कि कैसे इन लेखाओं का परीक्षण किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कार्यों में कुछ कार्य देखें तो यदि राष्ट्रपति द्वारा कुछ विशेष कार्य, लेखा परीक्षण संबंधी विशेष कार्य सौंपे जाते हैं कैग को, या राज्यपाल द्वारा किसी प्रकार का विशेष लेखा का परीक्षण का कार्य सौंपा जाता है कैग को, तो उन कार्यों को भी कैग द्वारा किया जाता है। या फिर कभी राष्ट्रपति को यह आभास होता है कि उसे कुछ लेखा संबंधी जानकारी चाहिए, तो वो कैग से मदद भी ले सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को, यहाँ पर जो पॉइंट मैंने बताया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और प्रश्न में पूछे गए हैं कि राष्ट्रपति जब कैग की रिपोर्ट प्राप्त करता है तो उसे क्या करते हैं, तो संसद में रखवाते हैं, और राज्यपाल जब कैग की रिपोर्ट प्राप्त करते हैं तो उसे कहाँ रखवाते हैं, विधानमंडल में रखवाते हैं। अब कैग की भूमिका आप इसी से समझ सकते हैं कि यूपीए सरकार के दौरान कई ऐसे मुद्दे उभर कर के सामने आए जो घोटाले के रूप में जाने गए, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले से लेकर के कोलगेट घोटाले तक, कॉमनवेल्थ घोटाले तक, ये सारी जो सूचनाएं उजागर हुई थी घोटाले से संबंधित, ये कैग के द्वारा ही उजागर किए गए थे। तो ये एक बहुत ही बड़ी संस्था है, संवैधानिक संस्था है, जिसका कार्य लेखाओं से संबंधित सभी प्रकार के परीक्षण करना है तथा इस जांच के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूती देना है। इसके अलावा आप एक पॉइंट और याद रख सकते हैं जो करेंट अफेयर्स का पॉइंट है, कि वर्तमान में भारत के कैग अर्थात नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? तो राजीव महर्षि हैं, जो कि इस पद पर कार्य कर रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपको करेंट अफेयर्स में भी देखने को मिल जाएगा। अब एक पॉइंट और जो थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं वो ये है कि यह इतना महत्वपूर्ण पद है कि इसकी स्वतंत्रता बहुत ही आवश्यक है।
यदि कैग के पद को कुछ स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी, फ्रीडम नहीं दी जाएगी, तो वे निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे। और यह ऐसा लोकवित्त से जुड़ा हुआ कार्य है जिसमें निष्पक्षता एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है, क्योंकि बिना निष्पक्ष होकर के आप कार्य करेंगे तो फिर लोकतंत्र को मजबूती नहीं मिलेगी और सार्वजनिक धन का संरक्षण नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में उनको कुछ स्वतंत्रताएँ दी गई हैं और इसी स्वतंत्रता की बदौलत कैग जो है निष्पक्ष रूप से काम कर पाते हैं। बात करें स्वतंत्रता की, तो तीन चार बिंदु ऐसे हैं जहां पर उनके स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला है। एग्जाम्पल के तौर पे उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया में, नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी है जिसमें मतलब एक चुनाव जैसी विधि नहीं है, एक नियुक्ति जैसी विधि है जहाँ पर उनको विशेष रूप से सहायता मिली है। दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है उनको हटाने संबंधी प्रस्ताव। अगर हटाने संबंधी प्रस्ताव प्रसाद पर्यंत होता तो कहीं ना कहीं हमेशा कैग का पद भय में रहता कि यदि उसके कार्य कुछ भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाते हैं तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन उनका यह जो हटाने की प्रक्रिया है वो प्रसाद पर्यंत ना होकर के कैसी प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के हटाने जैसी। तो ऐसे में उनके कार्यकाल को सुरक्षा मिलती है। फिर बात करें उनके वेतन से जुड़े हुए, तो उनके वेतन जो है संचित निधि से प्राप्त होते हैं। ऐसे में यहाँ से भी वे काफ़ी हद तक सबल बनते हैं और उनको स्वतंत्रता मिलती है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बनता है कि वे अपने पद से हटने के बाद, पद त्याग के बाद, ना तो केंद्र स्तर पर और ना ही राज्य स्तर पर किसी सरकारी पद को वे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ऐसे कुछ प्रावधान किए गए हैं जिसके माध्यम से कैग का पद एक स्वतंत्र पद बनता है और वह अपने दायित्वों को पूर्ति करते हुए भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं तथा सरकार द्वारा किए गए वित्त की परीक्षण करके एक जनता में विश्वास पैदा कराते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था। इतने सारे चीज़ें पढ़ने के बाद मेरा ये पूरा विश्वास है कि यदि आप कैग से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो 100% आपके ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे। ऐसे मैं इसके एक ऑब्जेक्टिव वीडियो भी आपको अपलोड करूँगा, उसको देखने के बाद आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स बन जाएंगे। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़, चाहे वो आर्टिकल से हो, संविधान संशोधन से हो, अनुसूचियों से हो, या आपको राष्ट्रपति, कार्यपालिका, विधायिका, इससे जुड़े हो, सारे वीडियोस अपलोड किए गए हुए हैं। वहां जा करके एक बार रिवीजन जरूर करें ताकि आपके एग्ज़ाम समय तक आप में कॉन्फिडेंस बरकरार रहे। और इसके जो बचे हुए 2-4 वीडियोस हैं वो जल्द ही धीरे धीरे आपको ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद। एक पौधा एडुटेरिया के नाम ज़रूर लगाएँ और उसे फेसबुक ग्रुप एडुटेरिया पे पोस्ट करें। धन्यवाद एडुटेरिया से जुड़ने के लिए।